हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अशोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से पुराना डॉक्यूमेंट का नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। यानी कि दोस्तों, आपके पास किसी भी टाइप्स का स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट या फिर दोस्तों मोबाइल से क्लिक किया हुआ डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एडिट कर पाओगे, यानी कि दोस्तों बिल्कुल नया जैसा किस तरीके से बनाते हो, यानी कि इमेज फाइल को किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एडिटेबल बनाकर उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, उन तक समय पर आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2019। अगर आपके पास 17, 13, 19, 16 जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भी, तो आप लोग इजीली यहाँ पर पुराना डॉक्यूमेंट का नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी कि दोस्तों स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरीके का इमेजेस आपके पास होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपके पास इस तरीके का मोबाइल से क्लिक किया हुआ इमेजेस होना चाहिए, या फिर दोस्तों इस तरीके का क्रैम्बल वाला इमेजेस होना चाहिए इस तरीके का, या फिर आपके पास स्कैन किया हुआ इमेज है भी, तो आप लोग इजीली इसके अंदर काम कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको वो इमेजेस इंसर्ट करना है, तो आपको प्रिंटेबल बनाने के लिए आप लोग पेज का साइज भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों, आपको जाना है लेआउट टैब के अंदर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको साइज के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको A4 साइज सेलेक्ट करना है, यानी कि दोस्तों आपका प्रिंटर का साइज सेलेक्ट करना है A4 साइज। तो आप लोग देख सकते हैं A4 साइज के अंदर प्रॉपरली पेज आ चुका है। अब दोस्तों, आपको पिक्चर्स इंसर्ट करना है, उसके लिए आपको जाना है पिक्चर्स वाले ऑप्शन के ऊपर में, इंसर्ट टैब के अंदर क्लिक करते हैं, पिक्चर्स वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करते हैं। आपके पास दोस्तों जहाँ पर इमेजेस है वहीं से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर है, जस्ट इसको मैं इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट फेक है, कुछ भी यहाँ पर लगा हुआ इन्फॉर्मेशन रियल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले ये वाला इमेजेस इंसर्ट करने के बाद आपको सामने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए रैप टेक्स्ट के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से दोस्तों आप इस इमेजेस के इस तरीके से इजीली जहाँ पर भी मूव कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों, आपको राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट पिक्चर्स के अंदर क्लिक करना है। अदरवाइज दोस्तों, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2007 है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरीके से पिक्चर्स फॉर्मेट ओपन होकर देखने को मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर पिक्चर्स वाले सेक्शन के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला वाला ऑप्शन पिक्चर्स करेक्शन के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका इमेजेस का अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ये वाला बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, यानी कि दोस्तों इसको प्रिंटेबल बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है उस हिसाब से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है आपके इमेजेस का हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको स्लाइड करते हुए यहाँ पर रखूँगा, तो आप लोग देख सकते हो 18% करने के बाद दोस्तों तुरंत यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट वगैरह आपको यहाँ पर रिमूव होकर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है जो भी बैकग्राउंड का था, वो इस तरीके से ईजिली आ चुका है। अब आपको दोस्तों इसको भी रिमूव करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है। मे बी आपको कितना परसेंट से ये जो भी अननेसेसरी पार्ट रिमूव नहीं हो रहा था वो रिमूव करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर देना है। मे बी लाइक 20 या फिर 10, इसको दोस्तों आप लोग 20 वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसको दोस्तों यहाँ पर मैं 25 के आसपास रहूँगा और दोस्तों इसको थोड़ा सा कम करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर 10 के आसपास करूँगा। तो 10 करने के बाद, या फिर दोस्तों आप चाहे तो 5 वगैरह भी कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना प्रॉपरली सब कुछ जो भी अननेसेसरी पार्ट था वो रिमूव हो चुका है, जो भी यहाँ पर कलर था वो नेचुरल ही है। तो उसके बाद दोस्तों, आपको थोड़ा सा ये टेक्स्ट वगैरह आपको विजिबिलिटी करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर शार्पनेस इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, मे बी 5% के आसपास करूँ, आप लोग देख सकते हो शार्पनेस ऐड करने से थोड़ा सा सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इसको आउटसाइड के अंदर क्लिक कर देना, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से सब कुछ डिटेल्स वगैरह इजीली क्लियर तरीके से आ चुका है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। अब आपको दोस्तों इसको पेज के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं सेट करूँ, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर मैं इस तरीके से फुल कर दूँगा। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली फुल हो चुका है। आप लोग देख सकते हो इसको इजीली आप लोग प्रिंट वगैरह जो भी करना चाहते हो तो इसको आप कर सकते हो, या फिर दोस्तों इसको आपको एडिट वगैरह करना चाहते हो, टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है तो आपको इसको भी यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो
इस इमेजेस को फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा तरीके से फिक्स हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे करना है, उसके बाद दोस्तों आपको जब यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह रिमूव करना है तो उसके लिए आपको सिंपली इंसर्ट जस्ट शेप, आपको दोस्तों यहाँ पर एक ये वाला शेप सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल शेप, जस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर आउटलाइन कलर, नो आउटलाइन, सेफ फिल कलर, बैकग्राउंड जो कलर था वही कलर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, जैसे कि वाइट कलर। वाइट कलर रखने के दोस्तों देख सकते हो ये रिमूव हो चुके। अब आपको दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट डालने के लिए, यानी कि टेक्स्ट लगाने के लिए, जस्ट इसको आपको यहाँ पर और वर्ड आर्ट इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हैं, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल वन, जस्ट आपको यहाँ पर होम, नो स्पेसिंग, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अटैच कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली अटैच हो चुका है रियल लुक के अंदर। ये एक्चुअली दोस्तों आपको फॉन्ट तो फाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली ऐड करूँगा मिस्टर, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको अटैच किया, तो इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा, थोड़ा सा इसको फंड 11 के ही आसपास रख दूँगा। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से सेट हो चुका है। जस्ट इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए कॉपी करते हुए यहाँ पर जो भी फादर्स नेम वगैरह है वो भी आपको अटैच करने के लिए सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। तो इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करते हुए आपको दोस्तों सेफ फिल ब्लैक, सेफ आउटलाइन, नो आउटलाइन, और दोस्तों यहाँ पर इसको अटैच करते हैं, इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना है आगे लेकर आने के लिए इस तरीके से। और दोस्तों आपको जो भी नेम है वो नेम आपको टाइप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने टाइप किया है, तो इसी को यहाँ पर अटैच करूँगा, या फिर दोस्तों इसको थोड़ा सा मैनेज करते हुए इस तरीके से अटैच कर दूँगा। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल टेक्स्ट वगैरह भी एडिट कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट एडिट करना है सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करते हुए यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मोटा मोटा आपको डेमो दे चुका हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पुराना डॉक्यूमेंट का नया डॉक्यूमेंट इजी तरीके से बनाकर इसको यूज कर सकते हो। इसको प्रिंट करने जस्ट फाइल आप प्रिंट, आपको यहाँ पर जाना है प्रिंट, या फिर दोस्तों आपको कंट्रोल पी से भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद दोस्तों आपको पेजेस वगैरह, कितना पेज के अंदर कितना कॉपी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर आपको पेज सेटअप के ऊपर में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग इजीली सब कुछ सेट करते हुए जस्ट आपको यहाँ पर प्रिंट वाले टैब के अंदर क्लिक करते हुए इजीली प्रिंट करते हुए इसको इजीली यूज कर पाओगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग के पास भी इस तरीके का पुराना डॉक्यूमेंट या फिर दोस्तों स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो इस डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लगाकर ईजिली एडिट वगैरह करते हुए इसको प्रिंटेबल बना सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।